प्यारे बच्चों, आज प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखती अपितु यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक बार और जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद हम प्रकाश के गुण को पढ़ेंगे, क्या क्या प्रकाश में गुण होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश में अनेकों गुण हैं, जिसमें से सबसे पहले जो पहला गुण इसका है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यानी पहला जो गुण है सरल रेखा में गमन, भूलिएगा नहीं। प्रकाश का जो पहला गुण है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा जो गुण है प्रकाश का, इसको जानिए। प्रकाश जो है वह प्रकाश मतलब प्रकाश को जो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा गुण क्या है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश को चलने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो गुण है प्रकाश का, इसको जानेंगे। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। चौथा जो गुण है प्रकाश का, इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश जो होता है वह निर्वात में 3×10^8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। यानी निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पांचवा जो गुण है प्रकाश का, उसमें हम जानेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है तो वह लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है परावर्तन के गुण को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। यानी प्रकाश का
परावर्तन होता है, होता है। इसके बाद छठवां जो गुण है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पे पड़ता है तो उसको पार कर जाता है, अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका पथ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद सातवां जो गुण है इसको जानेंगे। प्रकाश जो है स्वयं दिखता नहीं, अपितु दूसरे को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश में एक प्रकाशिक घटना होती है जिसको हम कहते हैं ध्रुवण, यानी प्रकाश में ध्रुवण होता है, होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो है प्रकाश प्रदर्शित करता है। इसके बाद से हम अगला प्रकरण पढ़ेंगे, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो अगला टॉपिक है प्रकाश किरण, लाइट रे। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण में क्या होता है, जब किसी माध्यम में प्रकाश चलता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जिस पथ पर वह चलता है, जिस पथ का अनुसरण करता है, उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जब किसी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है